क्या आप भाड़े के घर से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपना घर लेना चाहते हैं तो स्टार रियलिटी लाया है सुनहरा ऑफर। सिर्फ 2,21,000 में ले सकते हैं आप अपना खुद का घर 5 साल की आसान किस्तों के साथ। और ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें 9503198799 7352740661 और अपने सपनों का घर आज ही। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी MMS कांड, 60 लड़कियों के अश्लील MMS बनवाने वाला कौन है, ये सेना का जवान। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा, आप देख रहे समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुआ MMS कांड को लेकर एक बड़ा खुलासा। इस खुलासे से कई सवाल उठना शुरू हो गए हैं। खबरों की माने तो 60 लड़कियों के अश्लील वीडियो का कनेक्शन सेना के जवान से निकला है। जिस लड़की ने हॉस्टल में MMS बनाया था, उस लड़की को सेना के जवान ब्लैकमेल कर रहा था और उसकी अश्लील MMS बनवाने के लिए कह रहा था। खबर आ रही है कि आरोपी लड़की के पुराने दोस्त ने उसका अश्लील वीडियो इस आरोपी जवान तक पहुंचाया था, जिसके बाद वो इसे लीक करने की धमकी देने लगा और सेना का जवान बाकी लड़कियों के वीडियो बनाने को मजबूर करने लगा। आरोपी जवान जम्मू का रहने वाला बताया जा रहा है। जवान का नाम मोहित कुमार है। इस समय ये आरोपी अरुणाचल प्रदेश के एकता नगर के पास पोस्ट है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। इस मामले में एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि आरोपी लड़की ने हॉस्टल की किसी भी लड़की की वीडियो नहीं बनाई थी। आरोपी लड़की के फ़ोन में उसी की ही वीडियो थे। फिलहाल पुलिस मोबाइल की जाँच में जुट गई है। इस बीच मामले से जुड़ी एक ये भी खबर सामने आ रही है कि जब आरोपी लड़की से वीडियो के बारे में वार्डन पूछताछ कर रही थी, उस दौरान लड़की के फ़ोन पर FM नंबर से फ़ोन आ रहे थे। ये नंबर शिमला से गिरफ्तार किए गए आरोपी रज्जन वर्मा बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये लड़का आरोपी लड़की को वीडियो डिलीट करने के लिए धमका रहा था। इसके साथ ही ये नंबर मोहित की ID पर चल रहा था। इस MMS कांड में सेना के जवान का नाम आने से हर तरफ उसकी चर्चा होने लगी है। इसके साथ ही मामले की भी जांच शुरू हो गई है। इसके बारे में आइए हम दिखाते हैं आपको वीडियो, जो वहाँ के ऑफिसर का क्या कहना है। जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन में आता है, जो हमारी अब तक की जो हमने जो स्टूडेंट है जिसके बारे में बात हो रही है, हमारे जो उससे इंटरेक्शन भी हुआ है, जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें ये बात साफ आती है कि जो वीडियो है वो सिर्फ उसकी अपनी है, उसके अलावा किसी और की कोई वीडियो नहीं है। ना ही स्टूडेंट ने खुद बताया है कि उसने किसी और की वीडियो बनाई है। इसके अलावा जो भी इक्विपमेंट्स हैं, फोन इक्विपमेंट है, कुछ भी और है, उनको ऑलरेडी हम कस्टडी में ले चुके हैं और उनको फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए आज ही भिजवाया जा रहा है। जो अब तक की तफ्तीश है उसमें ये बात साफ जाहिर होती है कि वीडियो जो है वो सिर्फ उस लड़की की अपनी है, उसके अलावा किसी और की कोई वीडियो नहीं है। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666477110। धन्यवाद।